हेलो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एमपी स्पेशल के 11वें पार्ट की। ठीक है, इसमें देखते हैं ऊर्जा संसाधन एमपी से संबंधित है लेक्चर। ठीक, भारत में जितनी विद्युत उत्पादन होती है उसमें एमपी का हिस्सा है 10%। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये 1963 में स्थापना हुई थी नेपा नगर बुरहानपुर में। ठीक, गांधी सागर विद्युत केंद्र 1961 में स्थापना हुई है, चंबल नदी पर है। ठीक है, सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में हुआ था 1905 में, 240 केवी की स्ट्रीम टरबाइन से। ठीक है, राज्य विद्युत नियामक आयोग 1998 में बना, विद्युत प्रदाय अधिनियम आया 10 दिसंबर 1948 को, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में, विद्युत मंडल दिसंबर 1955 में है, जबलपुर में है इसका शक्ति भवन में इसका मुख्यालय। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1960 में है, इसका मुख्यालय भोपाल में, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम 1985 में 19 सॉरी दोस्तों 1982 में है, मध्य प्रदेश ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए, उत्पादन एवं वितरण हेतु कंपनी अधिनियम 1955 में है, और 2002 में 5 कंपनियों का गठन हुआ था, इसी के तहत 1 जून 2005 तक 5 में स्वशासी हो गई है 5 कंपनी। ऊर्जा संसाधन एवं विकास देख लेते हैं। प्रशासनिक अकादमी भोपाल में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान मऊ में। सर्वाधिक विद्युतीकृत ग्राम है सीहोर इंदौर खंडवा। पावर ट्रेडिंग एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ये बनी है 10 अप्रैल 2012 में, विद्युत मंडल का बिलर हो गया इस कंपनी में 24 अप्रैल 2012 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 23 मध्य प्रदेश में की बात कर रहा हूँ, 23/7/2015 में इसके तहत 51 जिलों हेतु 2865 करोड़ रुपए की लागत की योजना थी बिजली उपलब्ध कराने के लिए। अगली है अटल ज्योति अभियान 2013 में हुआ है, गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। राज्य शासन द्वारा 2016-17 में कुछ योजनाएं चलाई गई, स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना, स्मार्ट मीटर लगाने की योजना, वितरण ट्रांसफार्मर फेल्योर रेट कम करने की योजना। अगली है हमारी उजाला योजना, ये 30 अप्रैल 2016 वही 9 वाट के एलईडी बल्ब वितरण करने से संबंधित थी। सोलर पंप कार्यक्रम अपग्रेड ये 2013-14 से है, और 2016 तक 3,082 सोलर पंप उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम 2016-15 में है, आईटीआई डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सौर ऊर्जा और संचालन के लिए 3 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण करवाना राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा। सोलर पावर प्लांट ए नीमच में 2014 में इसकी स्थापना हुई, 130 मेगावाट की, देश का सबसे बड़ा ये प्लांट है मध्य प्रदेश में नीमच में। शासन ऊर्जा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र की है, सीधी में 4000 मेगावाट का उत्पादन करती है। भारत का प्रथम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर बीना भेल द्वारा स्थापित है, गैस और डीजल से विद्युत उत्पादन होती है ग्वालियर इंदौर नीमच में। विंध्यांचल बेडन सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन क्षेत्र है, एनटीपीसी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी के तहत एक कार्य था। हाइड्रेल जल पंप एक खरगोन में यूज होते हैं, एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में 4000 मेगावाट पावर हाउस छतरपुर में लग रहा है एनटीपीसी द्वारा। ठीक, परमाणु ऊर्जा केंद्र चुटक्का गांव मंडला में स्थित है, भांडेर विद्युत गए गैस की आपूर्ति, भांडेर विद्युत गए इस एक गैस से उत्पादन होता है या विद्युत का एक गैस की आपूर्ति की जाती है हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन द्वारा। सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन संयंत्र लगा है इंदौर में, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र भोपाल में 54,000 लीटर प्रतिदिन इससे गर्म पानी किया जा सकता है।
अवशिष्ट से ऊर्जा, करवा खरगोन में संयंत्र। मध्य प्रदेश बिंड फार्म लिमिटेड देश की पहली जॉइंट सेक्टर कंपनी है। नई पवन ऊर्जा परियोजना नीति 2012 में आई। बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत परियोजना, ये बरेठी छतरपुर में एनटीपीसी द्वारा 2640 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। गडक गडर बारा सुपर ताप विद्युत परियोजना, ये नरसिंहपुर में 8800 मेगावाट के दो इकाई लगाई हैं। अल्टा मेगा पार सोलर पार्क की गुड़ तहसील रीवा में सौर ऊर्जा, देख लेते हैं, सोलर फोटो वोल्टिक प्लांट ये झाबुआ बैतूल होशंगाबाद में। सौर ऊर्जा से का अधिक उपयोग झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में सोलर कुकर के उपयोग में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी होशंगाबाद में, कस्तूरबा ग्राम इंदौर का है, जो पूर्णतः ऊर्जा सौर ऊर्जा से ग्राम में विद्युत उत्पादन होती है, मतलब यूज होती है। सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह भोपाल में। जैव ऊर्जा देख लेते हैं, भूसी आधारित संयंत्र देख लेते हैं, धार जादू खेड़ा में, इंदौर बालाघाट में भी है, ठीक है, भूसा से मतलब विद्युत उत्पादन करना। नेप्ता आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र, ये ग्वालियर में, अवशिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन उत्पादन एक कटवा खरगोन में, बायोमास से बिजली उत्पादन करना, कसई बैतूल देश का पहला गांव है। गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन ग्वालियर मुरैना में ही होता है। जेट्रोफा से बायोफ्यूल 10 किलोवाट संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जमा गोदरागी देवास में, पवन ऊर्जा संयंत्र बैतूल और शाजापुर में भी लगे हुए हैं। सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर में हैं, यहाँ इंदौर पवन इससे भी पवन चक्कियों से भी विद्युत उत्पादन होती है। विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम देश की पहली गुना मंदसौर में स्थापित है। भाप विद्युत केंद्र देख लेते हैं, भाप से विद्युत उत्पादन होती है। पहला चांदनी ये बुरहानपुर में, तावा का कोयला ताप्ती नदी, तावा से कोयला से मिलता है और ताप्ती नदी से जल, ये 1957 में इसकी स्थापना हुई। इससे 17 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। इससे नेपानगर कागज मिल बुरहानपुर को विद्युत मिलती है, लाभान्वित होते हैं। अगला है हमारा अमरकंटक अनूपपुर में ही, सुहागपुर से इसे कोयला मिलता है और सोन नदी से इसे पानी। 1970 में इसकी स्थापना की गई, 450 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। एमपी इससे लाभान्वित होता है। अगला है हमारा सतपुड़ा सारणी, ये बैतूल पाथरखेड़ा में, पाथरखेड़ा से इसे कोयला मिलता है और तावा नदी से इसे पानी उपलब्ध होता है। 1967 में इसकी स्थापना की गई, 1017.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। एमपी और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं 3:2 में। अगला है हमारा विंध्याचल बेडन सिंगरौली में, सिंगरौली से इसे मिलता है कोयला और रेंद्र नदी से इसे पानी उपलब्ध होता है। रूस के सहयोग से लगाया गया था, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे 3260 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 5 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, दमन द्वीप भी इससे लाभान्वित होता है। अगला है हमारा जबलपुर ताप केंद्र, ये जबलपुर में, जबलपुर से इसे कोयला उत्पन्न होता है मिलता है और नर्मदा नदी से जल उपलब्ध होता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 151 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है इससे। अगला है हमारा संजय गांधी उमरिया में ही, जोहिला क्षेत्र से कोयला मिलता है, इसे जाहिला नदी से पानी उपलब्ध होता है इस संयंत्र को। 1993 में इसकी स्थापना हुई, 1340 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। एमपी इससे लाभान्वित होता है। अगला है हमारा पेंच छिदवाड़ा में, छिदवाड़ा से कोयला मिलता है, पेंच नदी से पानी, 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। एमपी और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होता है। अगला हमारा दादा धुनी वाले एक खंडवा में, 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। एमपी और गुजरात से लाभान्वित होते हैं। अगला है मांडू ताप परियोजना धार में, एमपी गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। अगला है हमारा बीना ताप विद्युत गृह, ये सागर में, 1000 मेगावाट इससे बिजली बनती है। विद्युत प्रदेश कोयला क्षेत्र में
अगला है हमारा मालवा ताप विद्युत गृह, ये खंडवा में जनवरी 2008 से चालू हुआ था, 2000 MW विद्युत उत्पादन होती है। अगला है हमारा अमरकंटक विस्तार इकाई, ये उमरिया की विस्तार इकाई उमरिया में 2006-07 में स्थापित हुई थी, 210 MW विद्युत उत्पादन होती है। चलिए अब जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं, जल से जहाँ विद्युत बनाई जाती है। पहला हमारा गांधी सागर, ये भभूतपुरा मंदसौर में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 115 MW विद्युत उत्पादन होता है। MP और राजस्थान से लाभान्वित होते हैं इससे। अगला हमारा राणा प्रताप सागर, ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 172 MW बिजली उत्पादन होती है। MP और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। अगला है जवाहर सागर, ये कोटा में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 99 MW विद्युत उत्पादन होती है। मध्य प्रदेश राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। अगली है हमारी अवंती बाई परियोजना, ये बरगी जबलपुर में 1960 में स्थापित हुई, 90 MW बिजली उत्पन्न होती है इससे। अगली हमारी राजघाट परियोजना, ललितपुर यूपी में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, 45 MW विद्युत उत्पन्न होती है। MP और यूपी इससे लाभान्वित होते हैं। अगली रहंद जलाशय परियोजना, पिपरी मिर्जापुर में यूपी में 1960 में इसकी स्थापना हुई, MP और यूपी इससे लाभान्वित होते हैं। पैंच जल विद्युत, ये सिवनी में 1960 में इसकी स्थापना हुई, 160 MW विद्युत उत्पादन होता है। MP और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित होते हैं। महेश्वर जल विद्युत परियोजना, महेश्वर धार में 1964 में इसकी स्थापना हुई, 450 MW विद्युत उत्पादन होता है। सरदा सरोवर की ये उप परियोजना है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 2007 में स्थापित हुई, 520 MW विद्युत उत्पादन होती है, ओंकारेश्वर खंडवा में। इंदिरा सागर परियोजना जो पुनासा खंडवा में 2006 में इसकी स्थापना हुई, 1000 MW विद्युत उत्पादन होती है। अगली हमारी बाढ़ सागर परियोजना, सीधी मध्य प्रदेश में 1994-95 में स्थापना हुई, 110 MW विद्युत उत्पादन होती है। MP यूपी बिहार इससे लाभान्वित होते हैं। टोंस परियोजना रीवा में 315 MW विद्युत उत्पन्न होती है इससे। मलखेड़ा 2008 में स्थापित हुई, 40 MW विद्युत उत्पादन होता है इससे। चंदेल परियोजना, ये खंडवा में 15 MW विद्युत बनती है इससे। मडीखेड़ा मोहिनी सागर खरगोन में 60 MW इससे विद्युत उत्पादन होती है। निर्माणाधीन है ये, अभी पूरी नहीं हुई। बीर सिंहपुरा पुर उमरिया में 1991 में हुई, 20 MW विद्युत उत्पादन करती है। चलिए दोस्तों, हमने 11वां पार्ट देख लिया MP स्पेशल का। अगले लेक्चर में हम 12वें पार्ट की बात करेंगे। ठीक, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।